सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रशासनिक अमला विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को द्वेषपूर्वक प्रताड़ित कर रहा है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने गए आप कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किए जाने से आप नेता नाराज हैं। माड़ा अमहरा ग्राम पंचायत में कोटेदार द्वारा गरीबों को राशन वितरित किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 35 आदमियों के साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। इसके बावजूद सियासी दबाव में आकर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। आपके प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह ने कहा कि जिला प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई की, क्योंकि विगत दिवस भाजयुमियों द्वारा अम्बेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया था, और फिर भी पुलिस विभाग ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर FIR नहीं की। पिछले 29 तारीख को अमहरा ग्राम पंचायत में राशन न वितरण को लेकर के हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए, उसके पूर्व में जो खाद्यान्न विभाग के जिला के अधिकारी हैं बीके शुक्ला जी को हम लोग सूचना दिए थे, आवेदन दिए थे, उन्होंने अपना कोई इंस्पेक्टर भेजा, एक दो डेढ़ घंटे राशन बांटा, उसके बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिला। लगातार 4 से 5 दिन वहाँ के ग्राम पंचायत के वासी गल्ला गोदाम के पास बैठे रहे। उसके बाद हम लोग सांकेतिक वहां से 30 सारे लोगों को लेकर आना हम लोग कुछ नहीं समझे। 30-35 लोगों के साथ में कलेक्ट्रेट के पास पहुंच के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहने हुए थे और ज्ञापन दिए अपर कलेक्टर महोदय को। उसके बाद अगले दिन हम लोग खबर पढ़े कि जो ज्ञापन देने आए थे उनके ऊपर गांव वालों के साथ में मुकदमा कायम हो गया है। तो हम लोग आज इसीलिए प्रेस वार्ता किए हैं, और हम लोग दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कल पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। न तो मास्क पहने थे, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए थे, उसके बावजूद भी न तो कार्रवाई हुआ, न तो मुकदमा दिया लिखा गया, न तो नोटिस दिया गया। तो हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछना चाहते हैं, ये दो तरफा कार्रवाई किसके इशारे पे कर रहे हैं वो स्पष्ट करें और बताएं सिंगरौली की जनता को। सिंगरौली की जनता सभी राशन वाले जानना चाहते हैं कि दो तरह का कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या राशन मांगना गुनाह है? क्या आदिवासी मजदूर गरीब जो आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वसहायता समूह चला 3 महिलाएं, उनको 3-4 महीने का राशन अभी तक नहीं मिला है? क्या जो गरीब तबका है उनके घर में सूखा भोजन पहुंचाया जा रहा था, चावल पहुंचाया जा रहा था, गेहूं पहुंचाया जा रहा था, अरहर की दाल पहुंचाई जा रही थी, लेकिन वो न मिलने के कारण से 4-4 महीने का लोगों के घर में राशन नहीं पहुंचा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।